केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में जिन इलाकों में चुनाव होने वाले हैं वहां कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर चुनावी सभा करने की अनुमति दी गई है। चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम में 100 लोगों की बंदिश को अब समाप्त कर दिया गया है। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक कार्यक्रमों, रैली, सभाओं में अब 100 लोगों की बंदिश को सरकार ने खत्म कर दिया है। बंद स्थानों पर सभा के दौरान लोगों के बैठने की क्षमता के अनुसार 50% लोग शामिल हो सकते हैं। बंद स्थानों जैसे हॉल आदि में करीब 200 लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। वहीं खुले क्षेत्र में सभा के दौरान भी मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का ध्यान रखना जरूरी होगा। गौरतलब है कि इसके पहले चुनावी सभाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 लोगों में शामिल होने की भी अनुमति थी। भारत सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन कोरोना के संबंध में आई है उसमें परिवर्तन हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में अब जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में जो 100 व्यक्तियों की सीमा निश्चित की गई थी वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सारी की सारी पूर्ववत पूर्णतः जारी रहेगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।